हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg चिकन लिया है और इसे अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ हम 3 tablespoons रेड चिली पाउडर, 1.5 tablespoons नमक, 1/2 tablespoon हल्दी, 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon कस्तूरी मेथी, 2 tablespoon अदरक लहसुन पेस्ट, 1 tablespoon बिरयानी मसाला लेंगे और 250 grams कर्ड लिया है मैंने। और मैरिनेट के लिए हम ये सब चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 3 बड़ी चम्मच तेल डालकर अच्छे से गर्म होने देंगे। 3 बड़ी कटी हुई प्याज उसमें डालेंगे और अच्छे से तलेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम उसे साइड में रख देंगे। अब हम 1 किलो का बर्तन लेंगे, उसमें 2 से 3 लीटर पानी भरेंगे और उसमें 2 तेज़पत्ता, 1/2 tablespoon शाजीरा, 4 से 5 इलायची, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे बॉईल होने देंगे। जो हमने चिकन मैरिनेट कर रखा था उसमें हम तली हुई प्याज डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और अब हम यहाँ पे 2 नींबूओं का रस डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 किलो चावल 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, वही चावल हम उबलते हुए पानी में डालेंगे और उसे हम कुक करने के लिए रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर ढक्कन ढक देंगे। जब चावल 60% कुक हो जाए पानी निथार देंगे। अब हम चिकन पर चावल डालकर चिकन को अच्छे से ढक देंगे। अच्छे से ढकने के बाद हम इसे गैस पर रख देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच असली घी डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब इसमें 3 tablespoon ऑयल डालेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने तली हुई प्याज रख ली थी साइड पे, वो हम डाल देंगे। कटी हुई कोथमीर और पुदीना डालेंगे। मैंने यहाँ पर 11 yellow color यूज़ किया है कलर के लिए। थोड़ा सा केसर मैंने दूध में भिगो कर रख लिया था, इससे भी अच्छा कलर आता है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर दम पर रख देंगे। अब हम चेक करेंगे कि बिरयानी का पूरा पानी अच्छे से सूख गया है कि नहीं। अगर यहाँ पानी अच्छे से नहीं सूखा है तो हम 10 मिनट के लिए वापस दम पर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर अच्छे से सूख गया है पानी तो हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। अब ये सर्व करने के लिए अच्छे से रेडी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गार्निश कर ले रही हूँ ऊपर से, ये बिल्कुल तैयार है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।